अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। एएच कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जब आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं तो सामने यूएसबी कनेक्टर और यूएसबी मास स्टोरेज का ऑप्शन आ जाए तो आपने उसको कैसे सेट करना है। ये अभी मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया है तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मास स्टोरेज और चार्जिंग का ऑप्शन आएगा इस पर। ये देखें, अभी चार्जिंग पे जैसे ही लगाया है इसके ऊपर ये एरर आ गया है। तो इस एरर को दोस्तों ख़त्म करने के लिए ये आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है। अगर यहाँ पे मैं चार्जिंग पे ओके भी कर देता हूँ, ये देखें, लेकिन फिर भी ये वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद रहता है, तो इस ऑप्शन को ख़त्म करना है। तो अब हम फ़ोन को सबसे पहले तो खोल लेते हैं। ये मेरे पास है क्यू मोबाइल का E1000 फ़ोन। तो चैनल पे दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों अगर ये आप वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो कर लें। तो ये चार्जिंग जैक का मसला नहीं होता दोस्तों, मैंने चार्जिंग जैक ऑलरेडी इसका तब्दील किया था, और कस्टमर का कहना ये है कि जब ये ऑप्शन आ जाए इसके ऊपर तो मोबाइल बैटरी चार्जिंग नहीं करता, बल्कि बैटरी चार्जिंग करता है, जल्दी ख़त्म हो जाती है बैटरी खुद बखुद ही इसके अंदर से ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अभी मैंने जब फ़ोन को ऑन किया था तो इसकी बैटरी शट डाउन हो गई, लो हो गई खुद बखुद। तो ग्राहक यही कह रहा था कस्टमर के, हमने इसको चार्ज भी किया है लेकिन ये खुद बखुद ख़त्म हो गई है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से ना एक इसका प्लस पॉइंट लेना है जो बैटरी कनेक्टर पे होता है, तो वो यहाँ से भी आप ले सकते हैं अगर तो हमें यहाँ पे मिल जाता है तो। BCH लिखा होगा, ये वी बैट है, ये नहीं है, ये बैटरी वाली होती है, ये DP है, DM है, और VCHG ये वाला यहाँ पे पॉइंट नहीं मिल रहा, तो ये हो सकता है उन्होंने यहीं पे दिया हो। जी हाँ, ये देखें, हमें ये VCHG का पॉइंट यहाँ पे पिछली साइड पे दिया हुआ है, तो आपने अपने मोबाइल का देख लेना है VCHG किधर है, या फिर बाज़ फ़ोनों में ना वो बारीक पिन वाले दो पॉइंट इस तरह दिए होते हैं तो वहाँ से भी प्लस पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं मीटर की मदद से ना इसका VCHG यानी जो इस चार्जिंग कनेक्टर का प्लस पॉइंट है इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे मिल जाता है तो उसके लिए फिर हमें आसानी हो जाएगी। तो मैं मीटर को बीप पे लगा लेता हूँ और इसको यहाँ पे दूसरे बोर्ड के दूसरी तरफ ना इसको सर्च करते हैं। ये मैंने एक प्लस पॉइंट पे यहाँ पे लगा लिया है, मुझे शक हो रहा है कि ये वाला पॉइंट होगा, नहीं ये नहीं है। तो इस तरफ तो हमें नहीं मिला, वहीं से फिर जंपर कर लेते हैं इस तरफ से। अब ये दोस्तों एक पॉइंट हमने यहाँ से निकाल के तो इस तरफ लगा देना है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, पहले मैं लगा लूँ। और कोशिश ये करनी है कि तार कम से कम लगे, क्योंकि अगर कम लगेगी तो उसमें शॉर्ट होने के चांस बहुत कम होंगे, तार ज़्यादा लगाएंगे लंबी लगाएंगे तो उसमें शॉर्ट होने के भी ज़्यादा चांस होते हैं। तो ये देखें दोस्तों, मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लगाया है जो DM यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, और DP पे नहीं इसको लगाना, DM पे लगाना है। तो किसी किसी मोबाइल का VCHG भी यहाँ पास ही होता है तो आप वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंपर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसको लगा के चेक करवाता हूँ।
ये देखें दोस्तों, अभी फोन चार्जिंग कर रहा है, वो जो मास स्टोरेज का और वो दूसरा ऑप्शन आ रहा था चार्जिंग का, वो भी खत्म हो गया। मैंने चार्जिंग निकाल के फिर से आपको लगा के दिखाता हूँ। इसकी बैटरी लो है, शायद ये बंद भी हो जाए। तो ये देखें, ये मैंने दोबारा लगा दिया है। अब वो जो ऑप्शन यहाँ पे USB बन के आ रही थी, वो अब नहीं बन के आ रही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH कीपैड मोबाइल सॉल्यूशन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। Thank you.